9 साल और 169 वन डे मैच, दिलचस्प रिकॉर्ड के साथ हुई ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज की टीम में वापसी। पीटर हैंडसकोम 73 और उस्मान ख्वाजा 59 व शॉन मार्श 54 की दमदार पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के सामने पहले वन डे में 289 रन का लक्ष्य रखा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 288 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस 47 और ग्लेन मैक्सवेल 11 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा यह मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पीटर सिडल के लिए काफी खास है। दरअसल पीटर को 9 साल बाद एक द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिला है। इससे पहले सिडल साल 2010 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की येलो जर्सी में नजर आए थे। इस दौरान उनके करियर में 169 एक दिवसीय मैचों का फासला रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। इस मामले में पीटर सिडल ने ब्रेड हॉग का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके करियर में एक दिवसीय मैचों का फैसला 157 था। ब्रेड हॉग 1996 के बाद सीधा साल 2002 में नजर आए थे। इस मामले में कप्तान टिम पेन भी पीछे नहीं है। पेन के करियर में भी 138 एक दिवसीय मैचों का फासला रहा है। पेन 2011 के बाद सीधा 2018 में एक दिवसीय मैच खेले थे।